ठीक है ना। आज संत कौन है? संत धन्ना। संत धन्ना का जन्म दुवन गांव टोंक के अंदर, और उनके जो गुरुजी थे उनका नाम था रामानंद। रामानंद के और शिष्य राजस्थान से संत पीपा जी भी थे। रामानंद जी के खास कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ठीक है, ये संत धन्ना है। इन किताब में लिखो लिखो ग्रंथ। रेदास जी राजस्थान से नहीं, रेदास जी थे बनारस से। बनारस से अभी थोड़ी देर में रेदास जी भी आ जाएंगे। पहले लिखो इनके ग्रंथ, धन्ना जी पर्ची और धन्ना जी आरती। पहले लिखो धन्ना जी पर्ची, धन्ना जी पर्ची। दूसरी है धन्ना जी आरती। धन्ना जी आरती, आरती। ये कुछ बेसिक बेसिक इनकी बातें हैं। मेन इनका जो याद रखना है वो है दुवन गांव। दूसरी बात क्या याद रखनी है? ये रामानंद जी के शिष्य थे, संत पीपा के साथ में रामानंद जी के पास में ये गए थे। फिर इनकी खास बात ये है कि एक बार इन्होंने जबरदस्ती करके भगवान को खाना खिला दिया था, क्या वो खाना ही पड़ेगा, मैं इतना बड़ा भक्त हूं आपका और भगवान भक्त के होते हैं, भक्त भगवान का होता है, तो आप खाना खाओ, तो इन्होंने जिम्मा दिया था। एक बार नागौर से भी एक थे, उन्होंने भी भगवान को भोजन करवाया था, कर्मा भाई। कर्मा भाई ने भी भगवान को भोजन करवा दिया था, खिचड़ा खिला दिया था। तो राजस्थान से दो संत हैं, एक तो कर्मा भाई हैं, एक संत धन्ना है, जिन्होंने भगवान को भोजन करवाया था। जैसे भगवान की हम लोग मूर्ति, जैसे आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण भगवान के 56 भोग लगेंगे, भगवान खाएंगे उसको, खा ही लेंगे, हमारे रूप में खा लेंगे। ठीक है ना, भगवान हर व्यक्ति के अंदर होता है, इसीलिए भगवान का जो चढ़ाया प्रसाद होता है वो सबको बांट दिया जाता है जी। भगवान मतलब भगवान ने ही खा लिया, हमने खा लिया मतलब भगवान ने खा लिया। तो कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है चलो, अब इनकी एक और खास बात है। इन्होंने कहा था कि आपका जो प्रोफेशन है और भक्ति साथ में की जा सकती है, प्रोफेशन एंड भक्ति कैन गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ में जा सकती है। लिख लो इसको, बहुत बात को। कई बार क्या होता है, हमारा जो स्टेटमेंट आता है उसके अंदर ये सवाल रहता है, प्रोफेशन एंड भक्ति कैन गो हैंड इन हैंड, व्यवसाय और भक्ति साथ में की जा सकती है। संत धन्ना खेती किया करते थे और भक्ति भी किया करते थे। खेती हल जोते जोते भगवान के भजन गा लिया करते थे, खड़ा निकालते निकालते भगवान की उपासना कर लिया करते थे। एक बार संत धन्ना की जो घोड़ी है उसी गर्दन काट दी गई थी बादशाह के द्वारा। फिर ये माताजी की भक्ति किया करते थे, तो माताजी ने वापस इनकी घोड़ी की जो गर्दन थी वापस जुड़वा दी थी। कई सारी इन पे मूवीज भी बन रखी है, एक दारा सिंह की मूवी है संत धन्ना पर। ये है हमारे संत धन्ना। अब लिखो रेदास जी। रेदास जी, रेदास जी, अरे दास जी, रेदास जी। रेदास जी हैं बनारस के, लिखो बनारस। और रेदास जी के जो गुरु जी रहे हैं वो रामानंद जी, बनारस से हैं, गुरु हैं रामानंद, गुरु रामानंद। हिंदुस्तान में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करने वाले गुरु रामानंद। रामानंद ने ही एक नया मार्ग दिखाया था जी, भक्ति के द्वारा भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये व्यवसाय से मोची थे, बाय प्रोफेशन कोबलर, प्रोफेशन था इनका कोबलर, प्रोफेशन कोबलर, व्यवसाय से मोची थे। इन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो कठौती होती है, हम लोग जब जूतियां बना रहे होते हैं उस दौरान अपने पाने हथियार होते हैं उनको तीखा करने के लिए लगातार पानी लिया जाता है, उसमें काठ की कठौती होती है, उस कठौती का ही बात कह दी थी इन्होंने कि एक बार इनके साथ में दूसरे संत आए थे, उन्होंने कहा रेदास जी गंगा जी नहाने चल रहे हो, तो इन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए है। बाह्य आडंबरों से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, दिखावे से शुद्ध नहीं होता है, व्यक्ति मन से शुद्ध होता है। बाद के अंदर विवेकानंद जी ने भी एक बात कह दी थी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इन इंडिया द जेंटलमैन आर मेड बाय करेक्टर नॉट बाय द टेलर्स, वी आर नॉट टेलर मेड जेंटलमैन, वी आर करेक्टर मेड जेंटलमैन, यानी हम लोग चरित्र से जेंटलमैन बनते हैं। तो वही बात उन्होंने अलग तरीके से कह दी थी। गॉट इट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट लिखो, यह है
कबीरदास जी के समकालीन थे। तो कबीर जैसे एक ही जगह पढ़ा करते थे, एक ही जगह ज्ञान लिया करते थे, तो कबीरदास जी के समकालीन है। लिखो, कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर, कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर। संत पीपा जी ये भी समकालीन, कबीरदास जी ये भी समकालीन है ये। और इनके जो ग्रंथ रहेंगे उन ग्रंथ का नाम है रैदास की पर्ची। लिखो, रैदास की पर्ची और रैदास की वाणी। रैदास की पर्ची, रैदास की वाणी, दो इनके प्रमुख ग्रंथ है। रैदास की पर्ची और रैदास की वाणी इनके ग्रंथ रहेंगे यह। और कबीरदास जी एक बार गागरौन किला घूमने आए थे जब संत पीपा थे। लिखो, रैदास जी एंड कबीर विजिटेड गागरौन, ये बात लिखी गई है पीपा जी की पर्ची के अंदर। ये गागरौन भी आके गए थे दोनों, कबीरदास जी और रैदास जी। बाद के अंदर रैदास जी चले गए चित्तौड़गढ़ और ये गुरु बन गए मीराबाई के। लिखो, गुरु ऑफ मीराबाई, मीराबाई के ये गुरु थे, गुरु ऑफ मीराबाई, मीराबाई के गुरु थे। तो इनकी छतरी रहेगी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। देखो, चित्तौड़गढ़ में छतरी है, चित्तौड़ छतरी, चित्तौड़गढ़ में। कौन से मंदिर के पास? कुंभ कुंभ श्याम स्वामी मंदिर के पास। लिखो, नियर टू कुंभ श्याम स्वामी टेम्पल। क्योंकि मीरा मंदिर और कुंभ श्याम स्वामी टेम्पल का जो बेस है वो एक ही है और पास में ही रैदास जी की छतरी बनी हुई है। नियर टू कुंभ श्याम स्वामी टेम्पल। राणा कुंभा ने 3 जगह कुंभ श्याम स्वामी टेम्पल बनाए थे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फिर इन्होंने कहा था जी, साधु जी जो संगति है वही आपको नैतिक बना सकती है, कि आपको संगति बेहतर रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी संगति बेहतर है तो आप बेहतर व्यक्ति बन जाओगे, संगत खराब है तो आप बेहतर व्यक्ति नहीं बन पाओगे। आ गया समझ में? ये अपने रैदास जी से रिलेटेड बातें हैं। नेक्स्ट अंक लिखो, गौरी बाई, गौरी बाई। नेक्स्ट संत हैं गौरी बाई, गौरी बाई, गौरी बाई। मीरा ऑफ वागड़, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। मीरा ऑफ वागड़, वागड़, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। मीरा ऑफ वागड़। और जो वागड़ इलाका रहेगा उसमें 3 जिले होते हैं, बताओ कौन कौन से? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा वागड़ जिले के अंदर। और वागड़, बांगड़ कहा जाता है पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र। ऑल डेल्यूवियल फ्लड प्लेन्स इन राजस्थान आर कॉल्ड एज बांगड़ प्रदेश। जो शेखावटी रीजन है, नागौर का रीजन है, पाली से लेके जो आधा इलाका है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आईसो हाइट से ले, ठीक, चल, पूरा वाला जो इलाका है उसे क्या कहा दिया जाता है? बांगड़ इलाका कह दिया जाता है। ठीक है, और यह है वागड़। तो वागड़ जी मीरा गौरी बाई, गौरी बाई ने कहा था मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरों ने कोई। तो राजस्थान के अंदर पहले मीरा बाई ने कह दिया था मेरा तो कृष्ण गोपाल दूसरों ने कोई, यानी कृष्ण भगवान को ही उन्होंने अपना पति मान लिया था। और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था आज के दिन। तो आज क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, कृष्ण पक्ष के अंदर आती है, इसलिए कृष्ण बन गया। तो मीरा और वागड़ कौन? गौरी बाई। लिख लिया, लिखो। ये डूंगरपुर से थे, डूंगरपुर, और ये नागर जाति से थे, नागर क्लैन, फीमेल, इसलिए मीरा बाई कह दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो इनको नरसी जी कहते, यह भी तो है। ठीक है, डूंगरपुर से इनकी क्लैन है, नागर क्लैन, नागर वंश से है ये नागर। बाद के अंदर एक महारावल शिव सिंह हुए थे, उन्होंने यहाँ पे बाल मुकुट मंदिर बनवाया गौरी बाई के लिए। लिखो, शिव सिंह ऑफ डूंगरपुर कंस्ट्रक्टेड बाल मुकुट मंदिर। महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। तो बाल मुकुंद मंदिर है डूंगरपुर के अंदर, और किसकी याद में बनाया गया? गौरी बाई की याद में। बाल मुकुंद टेम्पल, बाल मुकुंद मंदिर,
बाल मुकुंद मंदिर गौरी बाई के लिए ये बनाया गया था। ये थे हमारे गौरी बाई। नेक्स्ट संत लिखो, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, संत हरि दास जी, संत हरिदास जी नए संत। हरिदास जी की खास बात यह है कि हरिदास जी पुराने जमाने के अंदर डाकू हुआ करते थे, बाद में एक संत महात्मा जी इनके संगति पड़ी और ये सन्यासी बन गए। वाल्मीकि जी भी डाकू थे, बाद में सन्यासी बन गए। अंगुलीमाल भी डाकू था, बाद में जब भगवान बुद्ध जी उनपे नजर पड़ी और ज्ञान पड़ा तो वो भी अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं। तो हर व्यक्ति में एक सन्यासी, एक जानवर छुपा होता है। कई प्रकट कर देते हैं, कई प्रकट नहीं करते हैं। तो पहले कोई जानवर होता है, कोई डाकू टाइप का होता है, या अलग प्रोफेशन के अंदर वो व्यक्ति होता है। अगर उसे संगत सही पड़ जाती है तो व्यक्ति भी सन्यासी बन सकता है। तो राजस्थान के कौन से संत हैं जो पहले डाकू हैं, बाद के अंदर सन्यासी बन जाते हैं? हरि राम जी। और इनका जन्म होता है कापड़ोद। देखो, जन्म कापड़ोद काप रोद, और ये कापड़ोद है डीडवाणा के पास में, नागौर में। नागौर, डीडवाणा से नागौर की तरफ चलते हैं तब एक पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी पे ही निरंजीत संपत इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, कापड़ोद के अंदर डीडवाणा में। इनका ओरिजिनल नाम लिखो, हरि सिंह सांकला। वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला। हरि, राजस्थान ये एक लोक देवता भी है जो सांकला थे, हड़बूजी। हड़बूजी सांकला थे, और जिसकी पूजा किया करते, हड़बूजी की पूजा जिसके रूप में करते हैं हम लोग, ऑक्स कार्ट, सांप के रूप में नहीं करते। इसमें करते हैं सांप की बम्बी के रूप में, वो हरि राम जी जी करते हैं। इनकी करते हैं ऑक्स कार्ट के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। चलो लिखो फिर नेक्स्ट। हरि सिंह सांकला इनका नाम था। ये पहले डाकू थे, बाद में सन्यासी बन गए। इनिशियली ही वॉज डाकू, लेटर ऑन बिकेम सन्यासी। इनिशियली डाकू, लेटर ऑन बिकेम सन्यासी। तो डाकू से संत बनने वाले हरि दास जी, और राजा से संत बनने वाले पीपा जी। ठीक है, सिंपल सिंपल है सबके सब। बाद के अंदर जब बाबा जी से मिले, बाबा जी ने कहा कि तू भी बेटा सन्यासी बन सकता है। तो इन्होंने पूछा कैसे बन सकता हूं, तो कहा तपस्या कर। तो तपस्या कहाँ पे करूं, ये जो तीखी डूंगरी दिख रही है इसे बैठ जाओ और तपस्या कर। तो इन्होंने तीखी डूंगरी पे तपस्या की थी। देखो, तपस्या तीखी डूंगरी, डिडवाणा में एक तीखी डूंगरी। तीखी का मतलब ऐसे सीधी है, तीखी डूंगरी, तपस्या तीखी, तीखी डूंगरी, तीखी डूंगरी पे इन्होंने तपस्या की थी। जब इनको ज्ञान हो गया तो इन्होंने भी अपना संप्रदाय स्टार्ट किया, जिस संप्रदाय का नाम है निरंजनी संप्रदाय। लिखो, ही स्टार्टेड निरंजनी सेक्ट। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय शुरू किया। ही स्टार्टेड निरंजनी सेक्ट, निरंजनी सेक्ट, निरंजनी संप्रदाय इन्होंने शुरू किया। निरंजनी, अलख निरंजन, पहले भी हम लोगों ने देखा है, अलख भर्तृहरि बाबा जी कहा करते थे, अलख निरंजन। तो अलख निरंजन, तो इसका संबंध किससे होगा, थोड़ा सा नाथ संप्रदाय से भी संबंध रहेगा। बोलते हैं नाथ बाबा जी, अलख निरंजन बोलते हैं। देखो इनका आश्रम, आश्रम गाडा बिहानी, आश्रम में इनका गाडा बिहानी आश्रम। गाडा के अंदर ये मेन ब्रांच भी गाडा बिहानी, गाडा विहानी जगह है। इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था गाडा। फिर उन शिष्य के नाम पे ही इन्होंने अपने आश्रम का नाम भी कर दिया, गाडा विहानी। तो आश्रम है गाडा विहानी, इनके शिष्य के नाम पर है। लिखो, इनकी मेन ब्रांच गाडा नागौर में, मेन ब्रांच है गाडा नागौर। अब ये जो संप्रदाय इन्होंने शुरू किया, इस संप्रदाय की खास बात यह है, ये संप्रदाय बेसिकली निर्गुण भक्ति पे काम करता है। ये बोलते हैं कि निर्गुण है सब कुछ निर्गुण निराकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे द्वारा भगवान की पूजा किए बिना मन नहीं करता, मेरा मंदिर जाने का मन करता है, मूर्ति देखने का मन करता है, तो ये बोलते हैं तू कर सकता है, कोई टेंशन
नहीं है, सब जितने भी और सेक्ट हैं उनके बीच में ये कोऑपरेशन का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं, इसीलिए इनके संप्रदाय को कहा जाता है समन्वयवादी संप्रदाय। लिखो समन्वयवादी संप्रदाय, कोऑर्डिनेटिव सेक्ट, कोऑर्डिनेटिव समन्वयवादी संप्रदाय। निर्गुण पंथ बट अदर आइडियोलॉजीज आर टू एक्सेप्टेड, ये निर्गुण पंथ है परंतु अन्य विचारधाराओं को भी स्वीकार करते हैं, परंतु अन्य विचारधाराओं को भी स्वीकार करते हैं। अगर इनके भक्त मूर्ति पूजा करते हैं तो इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके भक्तों के द्वारा किसी अन्य गुणी रूप सगुण रूप की भी पूजा की जाती है, कोई दिक्कत इनके नहीं है, इसलिए समन्वयवादी संप्रदाय बोल दिया गया है इसे। तो राजस्थान का समन्वयवादी संप्रदाय निर्गुणी निरंजनी संप्रदाय, कौन सा निरंजनी संप्रदाय। इनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लिख लो फॉलोवर्स, अनुयायी दो प्रकार, एक है निहंग दूसरे हैं घरबारी, एक निहंग दूसरे घरबारी फॉलोवर्स, फॉलोवर्स निहंग दूसरे हैं घर बारी, एक तो निहंग है दूसरे घर बारी है। देखो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नाथ मत एंड संत मत, ये नाथ मत और संत मत के मध्य कड़ी का काम करते हैं, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नाथ मत एंड संत मत, संत मत, नाथ मत और संत मत के मध्य ये कड़ी का काम करते हैं। अब इनके जो उपदेश हैं वो कई किताबों में लिखे गए हैं, उन किताबों के नाम लिखो। इनके उपदेश सरमन सिंह मंत्र राज प्रकाश, सरमन सिंह में मंत्र राज प्रकाश, एक किताब का नाम है मंत्र राज प्रकाश, देखो सरमन सिंह मंत्र, इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश, इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश, दो वंदना निराकार वंदना, लिखो अलग अलग, दो वंदना निराकार, निराकार वंदना में है, निराकार वंदना में है। इस सरमन सिंह दो वंदना निराकार वंदना एंड मंत्र राज प्रकाश, इनके उपदेश इन तीन किताबों के अंदर है। वापिस बोलो, दो वंदना निराकार वंदना और मंत्र राज प्रकाश, बस सिंपल ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका प्रभाव क्या, उपदेश दिए जाते हैं, बोलते हैं ना काल करसो आज करसो कल, पल में पड़ले हो जाएगी बहुरी करेगो कब। अब इसे उपदेश चलेगा, ये तो दोहा था, उसे उपदेश चलेगा लंबा चौड़ा, उसी को कहा जाता है सरमंस कहा जाता है, जो संत होते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध से उपदेश दिया करते थे, वही सरमंस होते हैं, ठीक है। अब इनका प्रभाव राजस्थान में नहीं, इनका प्रभाव उड़ीसा में भी है, लिखो इन्फ्लुएंस उड़ीसा, प्रभाव उड़ीसा में, राजस्थान में डीडवाणा में थोड़ा इनका प्रभाव है, उसके अलावा उड़ीसा के अंदर ये प्रभावी है, उड़ीसा के अंदर इनका प्रभाव रहेगा। ये थे हमारे संत हरिदास जी। हरिदास जी के बाद में जो संत देखेंगे वो संत है जो हमेशा ही दूल्हे के वेश में रहे थे, नाम बताओ, रज्जब जी। अब रज्जब जी का जन्म होता है सांगानेर में, जाति से पठान थे ये, जन्म सांगानेर कास्ट पठान, और इनके जो गुरु हैं वो हैं दादू दयाल। एक बार इनकी विवाह तय हो गया, बारात लेके जा रहे थे, बीच में दादू दयाल जी अपने उपदेश दे रहे थे, ये भी उपदेश सुनने के लिए रुक जाते हैं
और रुककर दादू दयाल जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके बाद में ये तय करते हैं कि मेरे द्वारा अब शादी नहीं की जाएगी और मैं भी संत बन जाता हूँ। उम्र भर ये संत के नाम से रहे, लेकिन जो ड्रेस पहनी जाती थी इनके द्वारा वह है दूल्हे की ड्रेस, और इनके द्वारा बेहतर जागरना दिया जाता था। जागरना के एक्सपर्ट थे ये, गाना बेहतर बजाना जानते थे, म्यूजिक बेहतर जानते थे। तो जिस व्यक्ति को जिसे बेहतर ड्रेस पहन ली और जब व्यक्ति जागरना बढ़िया देता है, यानी जो कथाएं सुनाने के अंदर एक्सपर्ट थे। आजकल हम लोग कथाएं देखते हैं, मुरारी बापू जी कथा, और भी बहुत सारे लोग कथाएं गाते हैं, जैसे बागेश्वर बालाजी की कथा, वैसे ही रज्जब जी भी कथाएं सुनाया करते थे। तो कथाकार थे ये, बेहतरीन क्वालिटी। ये लिखो, ये उम्र भर दूल्हे जी वेश में रहे, उम्र भर दूल्हे जी वेश में रहे, ही ऑलवेज इन ग्रूम्स ड्रेस, ऑलवेज इन ग्रूम्स ड्रेस, ग्रूम्स ड्रेस। अब इनके ग्रंथ इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। लिखो, एक तो सवाल इनका आता है कि वह संत जो हमेशा दूल्हे के वेश में रहा करते थे, रज्जब जी, रज्जब जी के गुरु जी का नाम पूछा जाता है तो दादू दयाल जी। रज्जब जी का जन्म होता है सांगानेर में और जाति से थे ये पठान, ये भी पूछा जाता है। अब इनके ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, पहले लिखो अंग बंधु, इनका ग्रंथ है अंग बंधु, अंग बंधु ग्रंथ लिखा। फिर लिखो रज्जब वाणी, नेक्स्ट ग्रंथ है रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, और लास्ट के अंदर है सर्वंगी, ये याद रखना है राग में, सर्वंगी, 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 ये इनका अलग ग्रंथ है, ये है। और इनकी पीठ लिख लो, इन्होंने भी, इनकी मेन पीठ है सांगानेर में, सांगानेर के अंदर इनकी मेन पीठ रहेगी। कितने सारे संत हो गए, खूब सारे संत हो गए, बाकी संत देखेंगे कल।